हेलो गाइस, वेलकम ऑन चैनल टेकोडाउस। दिस इज अक्षय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स के ओरियो अपडेट के बारे में। तो गाइस, एक्चुअली मैंने पहले भी एक वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर रखा था अपने इस चैनल पे कि हमारा सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स का ओरियो अपडेट और सैमसंग एक्सपीरियंस 9.5 कब आने वाला है और उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। बट फ्रेंड्स, मैंने जो उसमें बताया था वो अकॉर्डिंग टू लीक्स बताया था, र्यूमर्स के आधार पर बताया था, बट मैं खुद श्योर नहीं था उस टाइम उतना कि क्या क्या उसमें मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली हमारे पास अभी हमारा ओरियो अपडेट आ चुका है विद सैमसंग एक्सपीरियंस 9.5 जो कि 15 जनवरी को रोल्ड आउट हुआ आई थिंक इंडिया में। इससे पहले वो अदर कंट्रीज में रोल्ड आउट हो चुका था। तो फ्रेंड्स, मेरे को भी मिला 15 जनवरी को हमारा ओरियो अपडेट, तो मैंने उसको अपडेट कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ओरियो अपडेट इस फ़ोन के लिए बढ़िया है या नहीं है और क्या क्या फीचर्स इन्हेंस्ड हुए हैं, क्या क्या इसमें आपको नया चीज़ मिला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, और अगर किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो अंत में लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या कुछ है इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस अपडेट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो ये एक ओरियो अपडेट है जो कि सैमसंग एक्सपीरियंस 9.5 के साथ सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स डिवाइस में आई है, जो कि 1.16 GB के अप्रोक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले तो इसको अपडेट करने के लिए आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, तो जल्दी से आपका अपडेट हो जाएगा। तो चलिए गाइज, अब इस अपडेट के बारे में जानते हैं कि इस अपडेट में क्या क्या फीचर्स इन्हेंस्ड हुए हैं। तो गाइज, यहाँ पर जो पहला फीचर हमारा इन्हेंस्ड होके आया है वो है बायोमेट्रिक का। जैसे कि आपको पहले इसमें मिलता था कि फिंगरप्रिंट, पैटर्न, पिन और पासवर्ड यूज़ करके आप अपने स्क्रीन को लॉक कर सकते थे, बट अब इसमें अपग्रेड के बाद आपको ये एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप सैमसंग का ऑफिशियली एप्लीकेशन कोई यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपका सैमसंग पे मिनी हो गया, सैमसंग पे हो गया, तो उसमें आप ऑफिशियली अपना कोई भी पैटर्न, पिन, फेस अनलॉक वगैरह लगा सकते हैं। मींस आप एक्सेप्ट स्क्रीन लॉक उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्क्रीन लॉक नहीं भी है फिर भी आप उस स्पेशल एप्लीकेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड फीचर जो हमारा आया है फ्रेंड्स, वो है क्विक पैनल का। मींस आप अगर पहले कोई भी जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल को डॉन करके और कोई भी ऑप्शन वहाँ से चूज़ करके किसी फंक्शन को ऑन करते थे तो आपका फंक्शन डायरेक्ट ऑन हो जाता था, बट अभी के अपडेट के बाद जैसे आपको वहाँ पर जो मिलता है एप्लीकेशन का आइकन, उसके नीचे में लिखा हुआ रहता है उस एप्लीकेशन का नाम, तो वहाँ पे आप क्लिक करके उसके और भी ऑप्शंस को डायरेक्टली ऑन कर सकते हो। मीन्स आपको सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहीं से उसके क्या क्या फीचर्स हैं उसे देख सकते हो। थर्ड ऑप्शन जो हमारा है फ्रेंड्स, वो है होम स्क्रीन का अपग्रेड होके आया है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये होम स्क्रीन वाला अपडेट कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि इससे पहले वाला अपडेट में ही वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, बिकॉज वहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता था, जहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करके उसके बहुत सारे फंक्शंस को ऑन कर सकते थे। बट ये अपडेट के बाद में वो फंक्शंस बहुत सारे गायब हो चुके हैं और कुछ कुछ ही फंक्शन बचे हैं, तो आपको सेटिंग्स में जाने के बाद वो कुछ लॉन्ग प्रोसेस सा हो जाता है। तो होम स्क्रीन में मुझे यहाँ कुछ खास चेंजेस नहीं नज़र आया फ्रेंड्स, एक सर्च बार का ऑप्शन एडिशनल ऐड कर दिया गया है और साथ ही में आप होम स्क्रीन के सेटिंग से एक सर्च का फोल्डर क्रिएट करके डायरेक्ट किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करके वहाँ से ऑन कर सकते हो, बस यही चेंजेस हुआ है होम स्क्रीन में फ्रेंड्स। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है फ्रेंड्स, वो है सैमसंग कीबोर्ड का। तो सैमसंग के कीबोर्ड में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उसमें आपको अब कुछ एडिशनल GIFs मिल जाएंगे जो कि अपडेटेड हैं, और कुछ टूल बार्स जिनके लिए आपको सेटिंग्स में जाकर वहां से चेंज करना पड़ता था वो अब डायरेक्ट आपको सैमसंग कीबोर्ड के ऑप्शन में ऊपर ही मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको किसी भी सेटिंग्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा हाई कॉन्ट्रास्ट करके उसको अच्छा बना दिया गया है, बस यही चेंजेस हुए थे सैमसंग के कीबोर्ड में। अब बात करते हैं फ्रेंड फिफ्थ चेंज की, तो वहाँ पर सिस्टम के परफॉर्मेंस में आपको कुछ चेंजेस किए गए हैं। मीन्स आपका अब डिवाइस ज़्यादा स्टेबल रहेगा,
और जहाँ कोई फंसता था अगर डिवाइस आपका, तो वो अब नहीं होगा और परफॉर्मेंस पहले से बेटर कर दिया गया है और सारा चीज़ जल्दी से ओपन होगा, क्लोज़ होगा, सारा बढ़िया चल रहा है एकदम। वो मैंने खुद ट्राई करके देखा है, तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा अपडेट के बाद यूज़ करने में। यहाँ पे सिक्स्थ फीचर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन मिररिंग करते हैं किसी भी डिवाइस से, तो आपका स्क्रीन का डिस्प्ले डार्क हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर मुझे लगा कि लार्ज स्क्रीन में देखने का कोई भी चीज़ मज़ा ही कुछ और है। तो अब आपके फ़ोन का स्क्रीन डार्क हो जाएगा और सामने मिरर होके वो चीज़ फ्लैश हो जाएगा। ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स, ये ऐड किया है उन्होंने सैमसंग एक्सपीरियंस 9.5 में, जो कि मुझे उम्मीद नहीं था, बट बहुत ही बढ़िया अपडेट के बाद ये हुआ है। यहाँ पे सेवेंथ फीचर कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, बस वही है कि सेटिंग के प्रोफाइल में जाके आप अपने अकाउंट का इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, वहाँ से चेंज कर सकते हैं। बस जैसे कि आप अपने प्रोफाइल पिक पे क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ से अपने सारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं सैमसंग अकाउंट की। बस ये नॉर्मल सा चेंज था, कुछ खास नहीं था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं, तो वो है हमारा सैमसंग क्लाउड का। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा फीचर ऐड हुआ है फ्रेंड्स, कि अब आप सैमसंग क्लाउड पर अपना कोई भी टाइप का फाइल अपलोड कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था, सिर्फ ऑडियो वीडियो और सम ZIP फाइल्स होते थे, बट अब आप कोई भी फाइल्स उस पर अपलोड कर सकते हो, वो भी एक लार्ज अमाउंट में। तो ये एक फीचर मुझे बढ़िया लगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं, वो सैमसंग ड्यूअल मैसेंजर की है। तो अब आप कोई भी सोशल मीडिया वाली एप्लीकेशन हो गई, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर वगैरह, तो उसका आप कॉपी करके ड्यूअल एप्लीकेशन कर सकते हैं और साथ ही में डबल अकाउंट भी उन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पुराना फीचर था, कोई नया नहीं था, बट बढ़िया है कि अब सैमसंग में भी ये फीचर आ चुका है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फाइंड माय मोबाइल वाला ऑप्शन ऐड हो चुका है। मीन्स अगर आपका फ़ोन लॉस्ट हो जाता है, तो आप सिक्योर फोल्डर के थ्रू आप अपनी सारी फाइल्स को बैकअप कर सकते हो सैमसंग स्टोरेज पे, और साथ ही में आप सैमसंग पास के द्वारा अपनी फ़ोन को लॉक भी कर सकते हो। मीन्स आपका फ़ोन अगर चोरी भी हो जाता है, तो कोई नहीं, आपका सिर्फ फ़ोन ही जाएगा, आपके प्रोफाइल्स हो गए, आपके इंपॉर्टेंट चीज़ हो गए, वो लॉस्ट नहीं होगा, कोई भी नहीं खोल पाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर था फ्रेंड, जो कि सैमसंग ने ऐड किया है अभी। यहाँ पे साथ ही में अदर इम्प्रूवमेंट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्लूटूथ अब हाई क्वालिटी का ऑडियो कोडेक सपोर्ट कर रहा है। मीन्स अगर आप किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस पे सॉन्ग प्ले करते हो, तो अब आप AAC और सोनी LDAC जैसे कोडेक को वो ब्लूटूथ आपका सपोर्ट करेगा। मीन्स बहुत ही हाई क्वालिटी का और बहुत ही क्लियर क्रिस्प आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो ये फीचर मैंने खुद ही सोनी के अपने SRS XB10 में यूज़ करके देखा फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसका ट्यूटोरियल और आपको डेमो दिखा दूंगा कि कैसा वो वर्क कर रहा है अभी। नेक्स्ट फीचर की बात करें फ्रेंड्स, तो हमारा सैमसंग का जो ऑफिशियल वीडियो प्लेयर है, वो अब ऑटो रिपीट ऑप्शन और साथ ही में डबल स्पीड ऑप्शन यूज़ करता है। मीन्स आप किसी भी वीडियो को डबल स्पीड से उसमें प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा जो वॉइस रिकॉर्डर था, वो अब स्मार्ट टिप्स को यूज़ करने लगा है। मीन्स अगर आप उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उस समय आपका कॉल ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा और आप डायरेक्टली उसको रिकॉर्डिंग अपना ऑन रख सकते हो, मीन्स आप बीच में डिस्टर्ब नहीं होगे। तो ये एक फीचर मुझे अच्छा लगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो ईमेल जो है हमारा, वो फ्लैग माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज एंटिक साइंक ईमेल्स अब यूज़ करने लगा है। मीन्स आपका ईमेल लॉस्ट होने का कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो ईमेल को। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ है जो सैमसंग का हेल्थ वाला ऑप्शन था हमारे पास, वो अब स्टिकी नोटिफिकेशंस यूज़ करने लगा है। मीन्स आप कितना फूड यूज़ कर रहे हो, कितना फूड चल रहे हो दिन भर में वगैरह, बहुत सारा ऑप्शंस वो आपको अब बढ़िया से शो करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक अपडेट हो चुका है। अब क्लॉक की बात करते हैं, तो वो दोनों में आने लगा है फ्रेंड्स। मीन्स लैंडस्केप मोड और टाइमर साउंड ऑप्शंस दोनों के साथ में वो हमारा क्लॉक अब आने लगा है। तो ये एक बढ़िया फीचर था फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड, वो भी क्लॉक से ही रिलेटेड है, कि जो हमारा डिजिटल क्लॉक वाला विगेट था, वो अब डायरेक्टली आपको एग्जैक्ट टाइम शो करेगा एप्लीकेशन पे ही। मीन्स आप अगर एप्लीकेशन को खोलते हो स्क्रीन लॉक करने के बाद, तो वो डायरेक्ट आपको एग्जैक्ट वही टाइम दिखाएगा जो उस टाइम हो रहा होगा। तो ये एक फीचर बहुत ही अच्छा लगा मुझे फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, और यहाँ पे जो हमने मिस किया
वो है हमारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर। हम सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो ऑप्शन हमें इस अपडेट में मिलेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला, जो कि सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो और हाई रेंज डिवाइसेस में है सैमसंग की, बट वो फीचर हमें नहीं मिल पाया। पता नहीं क्यों, बट मुझे शायद ऐसा लगता है कि वो फीचर हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने खुद एक्सटर्नली उस फीचर को यूज़ करके देखा तो मुझे पता चला कि वो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और आपका डिवाइस का बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा कम जाएगा। मुझे लगता है शायद इसीलिए उन्होंने नहीं दिया, बिकॉज़ ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स के अंदर। बट स्टिल हम होप कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें वो अपडेट में मिले, वो कुछ चेंजेस करके दें। तो बस फ्रेंड्स, इस अपडेट में इतना ही था। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। और भी अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इस अपडेट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बता दूंगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, तो आज 26 जनवरी है, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारी जो भी ऑफिशियल IDs है आप उससे कनेक्ट हो जाएं प्लीज़, वो आपको नीचे में मिल जाएगा।